हेलो दोस्तों, ये रहा मेरा लखनऊ बेस्ट प्लेस का पार्ट नंबर 3। तो इसमें इसके अंदर हम बताने वाले हैं जो हमारी फर्स्ट नंबर की वीडियो है, यानी कि लखनऊ रिवर फ्रंट। तो आइए देखते हैं। ये रहे जो मैंने एक छोटी सी स्टेटस जैसा कुछ डाला था, वो रहा। ये हैं कंटेनर काफ़ी सारे, ये रखा हुआ है एक उधर पीछे साइड भी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना। Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपके क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज की वीडियो में आए हैं हमारे साथ ये भाई साहब, सर्वेश कुमार नाम है इनका। तो हेलो, ये हर्षित हैं। नाम है हर्ष और इनका नाम है सर्वेश कुमार। हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग भैया के साथ आए हैं आज। तो काफ़ी टाइम से हम लोग भैया की वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी लगी। और आप, थैंक यू भैया, आप लोग देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ। तो जैसा कि देख रहे हैं कंटेनर काफ़ी सारे हैं, तो आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ 1 रुपये का टिकट नहीं देना है, तो यहाँ से एंट्री का पूरा वीडियो दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये कंटेनर के बाद से ही वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, जो आपकी अच्छी जानकारी के लिए ऊपर कुछ दिया हुआ है, मुख्य आकर्षण रोज़ गार्डन। हाँ भैया, ज़रूर। तो ये भैया मिलेंगे और ये हमारे गार्डन अंकल जी हैं। हाँ बिल्कुल, जो हमेशा मिलेंगे यहाँ। शाम तो रात को भी यहीं मिलते हैं। जी जी, 8 घंटे की ड्यूटी है, हम तो 24 घंटे यहीं रहते हैं। जी ज़रूर, ठीक है भैया, तो मिलके अच्छा लगा आपसे। तो ये एक आकर्षक केंद्र हैं यहाँ के। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देख सकते हैं जैसे कि सामने से भैया लोग आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी है। आपके साथ आए हैं, तो ये फ़ोटोग्राफी के लिए बेस्ट प्लेस में से एक है। कुछ भैया लोग आए हुए हैं, तो सामने देख सकते हैं जैसा कि बहुत अच्छी जगह है। ये पार्किंग के लिए भी यूज़ होती है यहाँ पर। अगर बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं, 4 व्हीलर, तो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। ये पूरी पार्किंग जोन है। वीडियो लंबा ना हो तो इससे थोड़ा स्किप करते हैं। अभी देखें तो गोमती रिवर फ्रंट ही है, हर्बल पार्क। ये हर्बल पार्क है, यहाँ कुछ ना कुछ औषधि मिलती हैं। औषधीय पार्क, हाँ सच बात है। ये रहा हर्बल पार्क, मेन आकर्षक है। और अभी उसके बाद भी यहाँ बहुत कुछ है जिसमें से देखते हैं। तो इसमें रोज़ गार्डन, योगा केंद्र, लोट्स वैली, किड्स जोन, औषधि पार्क, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, क्रिकेट स्टेडियम जैसा बहुत कुछ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LDA द्वारा ये बनाया गया है पूरा। तो बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए ये आपको छोटा सा बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ छाँव है, तो छाँव में आप बैठ सकते हैं। धूप तो हो रही है काफ़ी, लेकिन ये जगह देख सकते हैं छाँव के लिए कितनी अच्छी है। और ये एक छोटा सा कंट्रोल पैनल बना हुआ है जहाँ से सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और आगे जैसा कि देख रहे हैं, बहुत ही आकर्षक प्लेस है। तो ये रिवर फ्रंट का नक्षत्र वाटिका है, इसमें 8 पौधे, 9 पौधे होते हैं, जो 9 मिल जाएंगे। बाकी देख सकते हैं पूरा। और उड़ाने में बहुत मजा आएगी भैया। ये एक छोटा सा क्रिकेट स्टेडियम है जिसको लोग पतंग भी उड़ाते हैं, और यहाँ सुबह आएंगे तो क्रिकेट भी खेलते हैं काफी लोग। क्या ये फन लग रहा है ना? वाह, क्योंकि वहाँ तो ओवर रेट सा लगता है, पर यहाँ आए तो यहाँ कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये भैया हैं पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखिए भैया जी पतंग उड़ा रहे हैं, और इनकी पतंग बहुत दूर है पर आपको दिख नहीं सकती। हाँ, ये मिलते हैं भैया जी से। हेलो भैया, आपका नाम? मनीष। मिलके अच्छा लगा, और बताइए। आ सकते हैं?
अरे भाई बहुत तेज है, हवा तेज है, उड़ जाएगी, बहुत तेज समझ गिरी पतंग, उड़ जाएगी, चुस्की फंसी ना तू खींचो नहीं। ओ भाई रे तेरी हवा है, बहुत तेज हवा है ना, सर 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 बस केवल जा ही रही है, बस आज केवल बस यही खींच के नहीं लड़ा सकते जी, हवा काफी है ना। तो भैया मिलके अच्छा लगा, मिलते जी भाई, हम तो इसी पतंग संभाल ही ना पाए। हाँ तो भाई लोग देखें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एक ये ट्रैक है जहाँ पर आप जॉगिंग कर सकते हैं, जॉगिंग ट्रैक भी है। लग रहा भैया की पतंग कट गई है, नहीं भैया की चरखी कट गई है। तो ये भाई भी पतंग ही लड़ा रहे हैं, आवाज़ देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। चलो वहाँ चल के देखते हैं पास से। तो ये है क्रिकेट स्टेडियम करके जो होता है, उसके बाद भी बहुत ही बड़ा है ये क्रिकेट स्टेडियम का है, और हवा देख के तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही बेस्ट व्यूज़ है, आप पास आके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ फोटोग्राफी भी होती है, होती क्या है, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, अच्छी जगह है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके फिर से बताना। ये देखिए आवाज़ सुन सकते हैं कितनी अच्छी है, ये देखिए डैम बना हुआ है पूरा। शायद इसका फुल ब्लॉग और राज के ब्लॉग इसीलिए नाम है कि यहाँ पर बेस्ट ट्यूटोरियल मिलने वाला है। यहाँ देखें जैसे कि आपको एक और अच्छा सा नज़ारा मिलने वाला है, यहाँ से व्यू अच्छा आएगा, फोटोग्राफी भी अच्छी होगी। तो जैसा कि देख रहे हैं, हाँ शायद, लेकिन अच्छा ना लगा तो कोई बात नहीं। ओ भाई साहब मैं कैमरा लेके कूदूं, ठीक है कूद जाता हूँ। ओ भाई सर्वेश को, ओ सर्वेश भी कूद गया। तो अभी चलते हैं, ये भाई साहब लेके जा रहे हैं कहीं, थोड़ा दौड़ लेते हैं। बस आ गए हम लोग। ये कितने जहाज हैं? नाव चलाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं किसी अपनी एक्स के साथ तो ज़रूर करिए। नाव भी है और जैसा कि देख सकते हैं, ओए पास नहीं, ये रहा ये पानी का सागर। ये पानी का सागर है ये, हाँ पानी का, हाँ जैसा कि देख रहे हैं ये ट्रैक है फाल अच्छा वाला, ये कुछ लगा हुआ है। ये कौन सी नदी है? गोमती, ये गोमती नदी। यहाँ बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी छाँव, ऊपर से पसीना भाई, बहुत ही बढ़िया है।
ये इन्होंने चैन लगा रखी है जो कि सेफ्टी के लिए है, झूला कभी टूटने, और ये चैन है जो अगर बंदा ऊपर से कूदना चाहे या गिरना चाहे तो मतलब गिरना चाहे नहीं और एक्सीडेंटली गिरना चाहे तो नहीं गिर पाएगा क्योंकि सेफ्टी के लिए बहुत कुछ है। ये हैं भाई, इन्होंने एक चैलेंज किया हुआ है, अगर आप यहाँ आते हैं वीडियो हैशटैग मेरे इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा, आप लोगों के लिए गिव अवे भी कर देंगे छोटा सा। अगली बार आएंगे तो 2 मूवी की टिकट हमारी तरफ से रहेंगी, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा 2 टिकट देखने के लिए, वहाँ तक आप चढ़ के देखिए, अगर चढ़ जाते हैं तो आपको 2 टिकट मिल सकती हैं, सारे उसमें से कोई भी 2 टिकट जीत सकता है, तो अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो ट्राई करिए। बस ये रहा, ये नीचे है, यहाँ से कम 20 फीट 20 फीट की हाइट पे है, काफ़ी अच्छा झूला है ये, बहुत ही बढ़िया। बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए एक छोटी सी बात दिखाते हैं कि जितना अच्छा लग रहा है ये चीज़ आप ना करें, इससे पोल्यूट होता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो जो अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे वही बेकार लगने लगते हैं, तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उपयोग निषेध। हाँ, ये देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें निषेध हैं, ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बेस्ट साबित होने वाली है, तो अगर यहाँ देखना चाहते हैं तो देखिए, इसमें सहयोग प्रदान करें। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि इन बातों का बहुत ध्यान रखें, वरना जो सुंदरता अच्छी लगती है वही फिर ख़राब लगने लगती है। भैया उधर